गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये आलू और बैंगन और कुंदरी थोड़ा सा हम लोग का आंगन में फैला हुआ था और ये आटा सान रही है, रोटी बनाएंगे और आलू बैंगन कुंदरी का सब्जी बनाएंगे। इसको हम काट देते हैं, पहले आलू को काट देते हैं, इसका छिलका हटा देते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए मसाला में मिलाएंगे और ये सरसों है और मिर्चा और लहसुन और इसका तो छौंका लगाएंगे। यहाँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ले लिए हैं। ये मसाला पीसने के लिए जा रही है। ये आलू और बैंगन को काट के पानी में डाल दिए। इतना तो ख़राब निकल गया, ये पक गया है कुंदरी और ये इतना ख़राब निकल गया। और उधर हम लोग आटा भी तैयार कर लिए हैं, अभी इसको ढक के रख दिए हैं। ये यहाँ पर ढक के रख दिए हैं। पहले हम लोग सब्जी बनाएंगे। ये पहले सब्जी को हम धो दे रहे हैं और उधर चूल्हा सुलगा रही है, तो अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर देते हैं। ये आलू बैंगन को धो करके थाली में रख दिए। पहले सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाने के लिए ये कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। यहाँ थोड़ा सा तेल ले लिए हैं और ये प्याज को पीस लिए थे हम लोग और ये डिब्बा में हम लोग मसाला रखे हैं और ये छौंका लगाने के लिए कड़ी पत्ता और प्याज। ये तेल डाल दिए, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये तेल गर्म हो चुका है, प्याज को पहले डाल देते हैं, उसके बाद कड़ी पत्ता को डालेंगे। ये कड़ी पत्ता है, इसे भी डाल देते हैं। पहले हम लोग सब्जी को फ्राई कर लेते हैं। सब्जी फ्राई होने दीजिए, तब तक हम ये दो टमाटर काट देते हैं। सब्जी लगभग फ्राई हो चुका है, अभी हम लोग इसमें पिसा हुआ प्याज को डाल देते हैं। ये पिसा हुआ प्याज डाल दिए, उसके बाद हम लोग मसाला डालेंगे। ये प्याज को खूब अच्छी तरह से आलू बैंगन में मिला दिए हैं। इसमें थोड़ा सा अभी हम लोग हल्दी डालेंगे। ये हल्दी डाल दिए, इसे भी मिला देते हैं। थोड़ा सा और एक टू लकड़ी डाल देते हैं इसमें। सब्जी में हम लोग नमक नहीं दिए हैं, लगभग अभी हम लोग का सब्जी तैयार हो चुका है। नमक डाल देते हैं और उसके बाद इसमें पानी डाल देते हैं। ये नमक डाल दिए, इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं, उसके बाद पानी डाल देंगे और ढक्कन लगा करके कुछ देर तक पका लेंगे। और ये टमाटर भी डाल दिए। आलू बैंगन का सब्जी हम लोग का तैयार हो गया है, अभी हम लोग इसको उतार देंगे और फिर रोटी बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, खूब अच्छी तरह से पक गया, बैंगन पूरी तरह से गल गया है, आलू तो खैर गलता नहीं है। ये तवा चढ़ा दिए, अभी रोटी बनाएंगे। थोड़ा सा आग तेज कर देते हैं, जल्दी गर्म होने दीजिए तवा। सब्जी तो तैयार हो गया, अभी हम लोग रोटी बना रहे हैं। और इधर तवा भी चढ़ा दिए, गरम हो चुका है, रोटी बेलन हो रहा है। ये चढ़ा दिए एक ठू, ये तुरंत एक तरफ से पकने लगा है क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। और यहाँ पर हम लोग सब्जी रखे हुए हैं और दोबारा से ये बेलन किया जाएगा अभी। ये देखिए दोस्तों, तुरंत पक गया है, बीच में थोड़ा सा पका नहीं है।
पलट पलट के पकाना होगा। आग भी बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, जिसके कारण तवा बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा है। एक लकड़ी हटा दिए हम लोग। ये एक तो तैयार हो चुका है, थोड़ा सा दबा दबा करके पका दे रहे हैं। ये तैयार हो चुका है, उतार दिए। ये तवा को उतार दिए रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तब तक ये बेलन होने दीजिए। ये बेलन किया जा रहा है। ये तवा को दोबारा चढ़ा दिए और ये रोटी को डाल दिए हैं, और ये तीसरा रोटी अभी बेलन होगा। और ये भी तुरंत पक रहा है क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। ये दूसरा रोटी भी तुरंत पक रहा है दोस्तों, क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है ना। और ये तीसरा बेलन होके तैयार भी हो गया है। इसको भी थोड़ा सा दबा दबा करके पका लेते हैं कपड़ा से। ये भी तैयार हो चुका है, अब हम लोग इसको भी उतार देंगे। ये दूसरा रोटी तैयार हो गया और ये तीसरा रोटी डाल दिए तवा में। ये दो ठो रोटी बन गया है और ये तीसरा चढ़ा दिए हैं और ये चौथा बेलन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी सब रोटी हम लोग बना लेते हैं। थोड़ा सा अब निकाल लेते हैं दोस्तों रोटी के लिए सब्जी, क्योंकि अभी 10 बजने वाला है। इतना देर तो रहने नहीं सका जाता है, लेकिन आज हम लोग का थोड़ा सा देरी से बन रहा है। ये थोड़ा सा निकाल लेते हैं क्योंकि अभी हम काम पर भी जाएंगे ना। 3 रोटी ले लेते हैं, बाकी लोग भी खाएंगे। सब्जी तो बहुत बढ़िया बना है दोस्तों। बैंगन पूरी तरह से गल गया है और आलू भी खूब बढ़िया से पक गया है। उसमें हम लोग मसाला इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सरसों को पीस लिए थे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।